ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी मेरे भाई है, स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पे पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोलना चाहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कुछ तो बोलना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 9x square, ठीक है, 9x square प्लस 6xy प्लस y square, समझ में आ रहा है, देख लेता हूँ, लेट मी चेक, 9x square प्लस 6xy प्लस y square, बहुत ईजी है ना। अब देखो अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन ना क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। अब क्या ही करोगे इसमें, मैं आपको बताता हूँ, 9x square को सर आप लिख सकते हैं ना, 9x square को आप लिख सकते हैं ना 3x का होल स्क्वायर। बोलो 3x के होल स्क्वायर को अपन 3x का होल स्क्वायर, दैट मींस 9x square, 3 3 9 एंड x स्क्वायर, फिर से वैसे हो जाएगा, यानी कि 9x square को अपन 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलो सर ये क्या है, ये क्या है, इसको अभी एक सेकेंड के लिए रोकते हैं। इसमें अपन ने ए स्क्वायर पहचान लिया, यहां पे अगर अपन देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई का होल स्क्वायर। यस सर, सर आपने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है सर, इसके अंदर अगर आप पहचानना चाहेंगे तो 2 into a into b, समझ में आया, अब b की जगह पे मेरे भाई y है, यानी कि एक सर आपने आइडेंटिटीज यूज किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सर क्या बात है सर, है ना, ये वाली आइडेंटिटीज का देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है सर, है ना, 2 3 6 xy, सर ये मैच कर गया सर, क्या बात है, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अपन को a पता चल गया, अपन को b पता चल गया, तो लिखेंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर, क्या बात है सर, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन है उसमें पहचानो कि a कौन है बी कौन है, समझ में आ रहा है, ए और बी मैंने पहचान लिया तो मैंने एज इट इज लिख लिया, किसी किसी बुक में कुछ फॉर्मूला ऐसे दिया तो बेचैन मत हो जाना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स बोथ आर सेम ना, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ये चीज है। अदरवाइज देखो कभी कभी क्या होगा ना, जब आप यहां पे आओ, यहां पे जब ए पहचान लिया बी पहचान लिया तो 2ab बहुत आसानी से रख सकते हो, क्योंकि ये ए है ये बी है और फॉर्मूले में बोलता है 2ab, दैट मींस 2ab। अदरवाइज मेरे भाई आप इसको जस्ट पहचानने के बाद इसमें खोजने जाएंगे तो एक डाउट क्रिएट होगा आपके माइंड में, यहां तो छोटा नंबर है तो आप कर लिए, लेकिन कहीं कहीं पे बड़ा नंबर होगा तो आप सोचेंगे कि 2ab, दैट मीन्स 2 तो ले लोगे, लेकिन ये नहीं समझ पाओगे कि ए की जगह क्या लें बी की जगह क्या लें, यानी कि आपको ऑलरेडी अगर यहाँ पे ए और बी मिल चुका है तो आप ए यहाँ से रखोगे और बी यहाँ से रखोगे तो आपको ये बीच वाले में कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा अभी, ध्यान देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी देखो 3 question है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अपन सेकंड वाला पार्ट बात करेंगे, अभी देखिए बेचैन मत होइए, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब कुछ था नहीं क्वेश्चन में, अपन ने ए पहचाना बी पहचाना और अपने देखा, हमने देखा कि ये किस आइडेंटिटी पे लग रहा है। अब कहोगे सर आपने तो आपको लग रहा ऑलरेडी पता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो वो ठीक है, देखने पे ही लग गया कि ए है ये बी है और ये इसमें 2ab दिया है, इतना तो पहचानना पड़ेगा कि ये ए है ये बी है इसमें 2ab है, लेकिन सर क्या हमेशा यही चलेगा, नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी आइडेंटिटी चलेगी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी आइडेंटिटीज चलने वाली है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सर। ठीक है, स्क्रीन पे देखो जरा, क्वेश्चन देखो, दिख रहा है मेरे भाई, चलो 4y square, ठीक है सर, 4y square माइनस 4y प्लस 1, क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना, 4y square माइनस 4y प्लस 1, मैंने क्वेश्चन रीचेक कर लिया। हम लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी पहचान गए ना, देन आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले पे ये सॉल्व हुआ है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ए और बी इस फॉर्मूले में कौन है। चलो अपन क्या कर सकते हैं, क्या 4y² को अपन 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। 4y² को अपन 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दैट मींस 2 2s are 4 एंड y² सर, क्या बात है, मजा आ गया ना। चलो ये सर इसमें क्या है, 2ab, अभी इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले a एंड b पहचानते हैं। यानी कि सर इसमें तो कुछ मिलने से ना रहा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर करके क्या ही पा जाओगे। यहाँ पे देखो 1 का मैं होल स्क्वायर कर दिया, वाह बेटे वाह, है ना। ए स्क्वायर मिल गया सर, बी स्क्वायर मिल गया सर, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स -2ab होना चाहिए सर, -2 सर, ये a है, उसमें देखो ही ना मेरे भैया, यहाँ पे देखो 2ab है ना, 2ab, ये 2ab, एक सेकेंड पानी पी लो, समझ में आ रहा है। इसके आगे सॉल्व करिए, ओके तो ध्यान देना कि 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab है सर। ये क्या हो गया देखते देखते, ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ बेटे यही होता है, ठीक है। चलो a स्क्वायर है सर, ये b स्क्वायर है सर, सर माइनस 2ab है ना सर, यस, तो अपन को इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है सर, ये a है ये b है, दैट मीन्स 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि मेरे भाई अपन a माइनस b के होल स्क्वायर को ये कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, अपन के पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो अपन इसको इसके बराबर कर सकते हैं। That means ये इसके बराबर हो सकता है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, है ना, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा ना। अपन का जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में रहते तो अपन इस फॉर्म में लिखते, लेकिन ये इस फॉर्म में अपन का क्वेश्चन है तो अपन इस फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गया, बहुत ईजी है मेरे भाई, कुछ नहीं है, ए और बी पहचान रहा हूँ, दैट मीन्स अपन का काम हो जा रहा है, ठीक है। चलो सी वाले पार्ट देखते हैं, सी वाले पार्ट देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको 3rd क्वेश्चन का एक अनदर पार्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए सर क्या बोल रहा है कि x² - y², ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, चलो x² - y² / 100, हाँ ऐसा ही कुछ है, एक बार चेक करते हैं, x² - y² / 100, यस सर आपने क्वेश्चन सही लिखा। सर इसमें क्या ही होने वाला है, देखते देखते तो कुछ बदल गया मामला यहाँ पे, उसमें कुछ और था यहाँ पे कुछ और हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग को ना a एंड b पहचानना है, अपन को a एंड b पहचानना है, फिर उसके बाद हम लोग का माइंड खुद ही काम करने लगेगा, बेटा ये वाली आइडेंटिटी चली यहाँ पे, तो a और b पहचानता हूँ। देखो कैसे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं x का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, माइनस है, y/100 को मैं y/10 का होल स्क्वायर कर दिया, क्या बात है सर, आपने तो a² - b² बना दिया, बातों बातों में देखते देखते क्या हो गया सर। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, a² - b² = a - b इन ब्रैकेट एक में और अनदर ब्रैकेट में a+b होता है सर, क्या बात है सर, है ना। a² - b² को अपन लिख सकते हैं a - b and a+b, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर यहाँ पे a x था, y कौन है सर, y कौन है सर, y/10 है, तो क्या करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो अपन इस फॉर्म में यहां पे लिख देंगे, अदरवाइज इसमें दिया है तो इसमें लिख दो ना, समझ में आया। चलो तो क्या करना सर, यहां पे लिखना एक ब्रैकेट में x - y/10, अनदर ब्रैकेट में लिखना x - y+10, कुछ नहीं सर, ये आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। सर कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला कि a एंड b है, a² - b² सर, a - b, दैट मीन्स यहाँ पे x a है और b ये है, तो a - b एंड a+b, तो ये a है ये b है, तो a+b, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया देखते देखते, है ना, नोट करो इसे, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर 3 के कौन से पार्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर नहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, सर आई डोंट हैव एनी डाउट, है ना, कम से कम इतना तो लिखो जाके, समझ में आ रहा है।
तो अगर हो डाउट तो भी बताना, अदरवाइज नहीं है तो भी बताना। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।